भदोही में एक कालीन कारोबारी ने जमीन विवाद में एक युवक को लाइसेंसी असले से गोली मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल युवक को चिंताजनक हालत में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के कारपेट सिटी इलाके में हुई, जिसके बाद वहां दहशत फैल गई। पुलिस ने बताया कि शिव शंकर पटेल नाम के एक व्यक्ति का विवाद कालीन कारोबारी बबलू और डब्लू नाम के दो लोगों से हो गया, जिसमें शिव शंकर को गोली मार दी गई। युवक को भदोही के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत गंभीर होने पर उसको वाराणसी रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक यह मामला प्रथम रूप से जमीनी विवाद का लग रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जिस गन से युवक को गोली मारी गई है वह लाइसेंसी बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भदोही से संजय सिंह की रिपोर्ट। आप क्या पेशेंट आया है जो गोली लगी है सर, क्या पूरा? काना पटेल करके एक पेशेंट अभी आया है, करीब दो घंटे पहले आया है। तो की फायर आर इंजरी है, पीछे से शरीर को जो चोट लगी है, छर्रे लगे हुए हैं। सर क्या पूरा पकड़ा, आज गोली चली है? क्योंकि प्रकरण तो अभी पूरा स्पष्ट नहीं हो पाएगा, ये भी थोड़ा टाइम में स्पष्ट हो जाएगा। मैंने जो इंजर्ड है उसके भाई रमा शंकर से भी बात किया, वो खुद नहीं स्पष्ट कर पा रहे थे कि ये झगड़ा किस बात को लेकर के हुआ। पर घटना जो हुई है उसमें शिवशंकर काना पटेल हैं जिनको गोली मारी गई है, और जिन्होंने गोली मारी है वो डब्लू नाम का व्यक्ति है, जिसकी लाइसेंसी गन है डबल बैरल, उसमें से उसने गोली चलाई है और उसके पीठ में छर्रे लगे हुए हैं। ये लोग कौन है, क्या नाम है इनका, कितने लोग थे सब? अभी तक तो देखिए, अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उससे तीन लोगों का नाम प्रकाश में आया है। क्या नाम है आपका? बद्री। बद्री जी, क्या हुआ था आज यहाँ पे, कितने की घटना घटी, क्या देखा आपने? हमने देखा था जो पछो झगड़ा हुआ, और अब क्या किस बात हुआ ये हमको नहीं पता है। और अगले पार्टी आई वालों बोले बोले मारो गोली मार दी और भाग गए। कौन लोग थे जो गोली मारे थे, कितना बार कितनी गोली फायर किए थे वो लोग? तीन गोली फायर किए। कौन लोग थे वो लोग? डब्ल्यू और विश्वास भाई। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।